बस उठा दो। ये एसी कंपनी की फराना है, 16 टन की, 16 टन वाली, और इसमें एयर लीकेज का प्रॉब्लम लेके ड्राइवर आया है, और उससे बात करके देखते हैं क्या 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 समस्या उसको आ रही है, और फिर गाड़ी में क्या सामान बिगड़ा है वो देख के उसको रिपेयरिंग करेंगे। ये एसी का फराना है, लेकिन इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वेबको, टीवीएस, सुंदरम, इसी का सामान आता है। तो अगर मान लो कभी ये ख़राब होती भी है तो ट्रकों का जो सामान होता है ब्रेकिंग सिस्टम का, वही इसमें लग जाता है। इसके लिए अलग से एसी कंपनी में कंपलसरी जाना ज़रूरी नहीं है। किसी भी टाटा, आइशर, अशोक लेलैंड गाड़ियों का जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे इसका ब्रेक का सिस्टम का सामान मिल जाता है। इस गाड़ी में ड्राइवर कंप्लेन बताया है कि ब्रेक दबा के रखने पर हवा लीकेज होता है, और दूसरा अपने आप गाड़ी में जब हवा भर के गाड़ी बंद करते हैं तब भी हवा लीकेज रहता है। तो देखते हैं कहाँ से लीकेज है, ड्राइवर ने कंप्लेन बता दिया, अब इसको हम गाड़ी के अंदर घुस के चेक करेंगे। दबाइए ब्रेक, ये थोड़ा दबाने पे हवा निकलती है, फुल दबाइए और फुल एक बार ज़रा ताकत से, और बंद हो जाए ऐसा। अब ओवर दबा देते हैं तो हवा लीकेज बंद हो जाता है, ड्यूल ब्रेक वाल चेक करना पड़ेगा इसका, वो आधा ओपन पे ये लीकेज हो जाता है। इसको रेस करके हवा भर के एक ब्रेक का जो ड्यूल ब्रेक वाल लीकेज है वो तो हमने चेक कर लिया, अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करके रेस करके ये गाड़ी के अंदर से कहीं से हवा निकल रही है उसको चेक करना है। तो हवा उतर गई है, अब फुल हवा भरेंगे और चेक करेंगे उसको भी। रेस करो, फुल रेस करो, हवा भरो। ये हवा भर रही है, थोड़ा लेट से हवा भर रही है, लीकेज दो तीन जगह से है इसलिए हवा थोड़ा लेट से भरेगी, लेकिन एक बार हम उसको हवा फुल भर के और लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ से है वो चेक करेंगे। ये इसमें हवा अब 8 बार पे पहुंचने वाली है, और इतने हवा में हम चेक कर सकते हैं कि लीकेज क्या है। तो अब गाड़ी बंद करवाएंगे और चेक करेंगे। बंद कर दो, बंद कर दो, इतने में मालूम पड़ जाएगा। ये इसके बीच वाले एक्सल के पास से हवा लीकेज है, ये यहाँ नीचे है, और ये उसका सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब नीचे घुस के देखते हैं वो दिखेगा क्या। ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल के पीछे से हवा आ रही है, अभी हार लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ये DDU असेंबली है, DDU असेंबली के पीछे जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल लगा है ये यहाँ से, यहाँ पीछे से हवा आ रही है, और ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल के पीछे ये बीच में जो बोल्ट है, देखिए हवा का आवाज़ चेंज हो रहा है, ये यहाँ से किट फट गया है, इसमें पानी और जंग लगने से वो किट भी फट जाता है, वो रबर ख़राब हो जाता है। अब ये असेंबली हम खोल के बाहर निकालेंगे और सिस्टम प्रोटेक्शन वाल ये पूरा DDU हम ओवरहॉलिंग कर लेंगे। इसमें 3x86 का भी किट लगेगा। ये पैडल के बगल में ड्राइवर जहाँ से चढ़ता है उसी के नीचे ड्यूल ब्रेक वाल लगा हुआ है, ये कवर निकालेंगे तो दिखाई देगा। निकालो कवर, ये ड्यूल ब्रेक वाल लगा है और इसके अंदर एयर लीकेज का प्रॉब्लम है। ज़रा ब्रेक दबा के देखते हैं कहाँ से निकलता है। एकदम बाल बराबर सूख कर, थोड़ा एकदम कम, हाँ ये थोड़ा पैडल दबाने पे पिस्टन वर्किंग कर रहा है, मतलब ये सिलेंडर अंदर से ड्राई हो गया है और पिस्टन रिलीज 100% नहीं हो रहा है, तो वो रिलीज़ होना चाहिए। अगर सर्विस कर देंगे तो हो जाएगा, और किट अगर डैमेज निकला तो इसका किट भी बदली कर सकते हैं। खोलो पूरा, छोड़ो। ये DDU इसका पूरा नाम ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट असेंबली है। इसको अभी हमने गाड़ी में से खोल लिया है, और इसके अंदर ये जो ऊपर वाला भाग दिखता है ये अनलोडेड वाल है, और ये बगल में ये जो भाग दिख रहा है ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है। ये जब हवा फुल भर जाती है 8.1 बार या 2 बार, तो यहाँ से जो एयर कंप्रेसर इंजन स्टार्ट रहता है, एयर कंप्रेसर हवा बनाते रहता है, तो यहाँ से हवा अनलोड हो जाती है, मतलब छींक मार देता है और ये डायरेक्ट हो जाता है। फिर हवा लिमिट ज़रूरत से कम पड़ेगी तो ये बंद हो जाएगा, और फिर
टंकी में हवा भरेगी। जब टंकी में 8.2 बार से ज़्यादा हवा हो जाएगी तो यहाँ से स्प्रिंग का प्रेशर वाल सेट रहता है तो ये अनलोड कर देगी। और ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है, ये इसके अंदर दो कनेक्शन यहाँ से दिए गए हैं और दो कनेक्शन यहाँ से दिए गए हैं। ये इसमें सिस्टम प्रोटेक्शन वाल के अंदर ये 2122 ये जो लिखा हुआ है ये नंबर आता है, और दूसरा नंबर है ये देखिए 23 और 24। तो ये 24 का मतलब 24 नहीं होता है, और ये 22 का मतलब जो है ये 22 नहीं होता है, ये 2122 इसका मतलब ये हुआ, ये 21 का मतलब हुआ ये दो नंबर आउटपुट है, ये पहली टंकी में जाएगा, ये दो नंबर आउटपुट है, और ये इसके बगल में जो दो है वो दूसरी टंकी में जाएगा। और ये 23 का मतलब, ये 2 का मतलब हुआ ये आउटपुट है, ये तीसरे यूनिट को जाएगा, और ये 2 का मतलब आउटपुट है, और ये 4 का मतलब हुआ ये चौथे यूनिट को जाएगा। तो नंबर यहाँ पे इस तरह दिए हुए हैं। ये चारों कनेक्शन सिस्टम प्रोटेक्शन वाल में से निकलते हैं और ये 4 यूनिट को हवा देते हैं, दो टंकी को और पार्किंग, और दूसरा इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक है या गाड़ी में कोई भी एक्स्ट्रा काम है उसके लिए रहता है। ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल अगर इसका किट लीकेज है इसलिए हमने खोला है, लेकिन ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल के अंदर जो स्प्रिंग और वॉल और ओपन किट सर्किट जो आता है उसको अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो हवा का जो प्रेशर क्विक भरता है वो लेट से भरेगा, हवा भरेगा और सारे यूनिट को एक बराबर हवा मिलेगी, और वो सिस्टम के लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे ये 21 का जो कनेक्शन है तो अगर गाड़ी स्टार्ट करके हवा भरेंगे तो पहले 21 वाले में हवा जाएगी, वहाँ पे 4 बार का प्रेशर हो जाएगा, फिर 22 वाले में जाएगी। मतलब अगर चारों यूनिट को इक्वल हवा भरेंगे तो ब्रेक दबाने के लिए हवा देर से मिलेगी, और 1x1 भरेंगे तो एक आगे का ब्रेक ओके हो गया, फिर 22 में जाएगी वो पीछे का ब्रेक ओके हो गया। तो इससे सिस्टम प्रोटेक्शन वाल को लगाने से अपना जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कम समय में जिंदा हो जाता है और ब्रेक लगाने के लिए गाड़ी रेडी रहती है। ये एयर ड्रायर का हाउसिंग टैंक है, इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, वो इस पोर्ट से जब हवा जाएगी तो ये फिल्टर में से होने के बाद सभी यूनिट को हवा जाती है। तो हवा के अंदर जो नमी होती है तो वो नमी वो फिल्टर ऑब्जर्व कर लेता है और ड्राई हवा आगे भेजता है, ताकि एल्यूमिनियम और रबर के जो पार्ट्स होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम में उनमें जंग न लगे और उनकी सीट्स जो होती हैं वो लीकेज ना करें, तो इसके लिए ये दिया है। दूसरा ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये टायर इन्फ्लेटर है, इसको आप किसी भी काम में ले सकते हैं, गाड़ी में हवा भरने के लिए या गाड़ी में हवा मार के साफ सफाई करने के लिए, ऐसे ये इसका असल नाम टायर इन्फ्लेटर है। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये अनलोडर वाल को सेटिंग करने के लिए है, यहाँ से हम हवा को कितने बार पे अनलोड करना है वो उसका सेटिंग करेंगे। ये इसके अंदर एलंकी या बोल्ट 10 नंबर का बोल्ट भी हो सकता है और एलंकी भी रहता है, इससे इसके जरिए हम ये हवा को कब कितने प्रेशर पे अनलोड करना है वो सेटिंग यहाँ से होती है। ये कट ऑफ प्रेशर 8.1 बार लिखा हुआ है, इसको हम 8.5, 9.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 8.1 बार सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी के लिए एकदम ठीक है। अगर 8.1 और 8.2 रखेंगे तो पाइपों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये हाउसिंग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और ये जितने भी इसके अंदर पार्ट्स आते हैं उस पे एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे लीकेज की समस्या कम आएगी, किट्स भी कम फटती हैं। अगर एयर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाने से कोई भी यूनिट थोड़ा भी वीक हुआ तो वहाँ से फट जाता है या लीकेज हो जाता है, तो उस समस्या से बचने के लिए हमेशा एयर प्रेशर कभी भी अनलोड वाल DDU अगर ओवरहॉलिंग करते हैं तो प्रेशर 8.5 से ज़्यादा न रखें और उससे कम भी न रखें, ताकि 2-3 बार ब्रेक पैडल दबाने के बाद भी प्रेशर
छः के आसपास एकदम नहीं आ जाओ, ताकि पार्किंग ब्रेक अपने आप लगने से क्या होता है कि गाड़ी रुक जाती है या स्लो हो जाती है। गाड़ी है या कोई भी मशीन है, जो जिसका जिस तरह का भी इसको काम में लेना है, तो 8.8 बार का प्रेशर सेटिंग करेंगे तो यूनिट भी सेफ रहेगा, पाइपलाइन भी सेफ रहेगा, और ये जिस चीज़ में गाड़ी में या अगर कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी सेफ्टी बनी रहेगी। खुला है और ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल के ऊपर जंग लगा हुआ है, इसलिए उसके नीचे का किट डैमेज हो गया है ये बीच में, तो इसकी वजह से वो ये देखिए इसके वजह से हवा लीकेज था, इसको हम किट चेंज करेंगे। और ये फिल्टर के ऊपर देखिए पानी का जो बूंद दिखाई दे रही है, इसके वजह से भी फिल्टर के अंदर भी अभी भरा हुआ है, थोड़ा इसका वेट भी ज़्यादा है, इसको हमने वजन देखा है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके अंदर का जो ड्रायर है वो ख़राब हो चुका है। तो फिल्टर बहुत महंगा आता है, 3,800 रुपये का नया फिल्टर आता है, तो उसको हम ओवरहॉलिंग कर लेंगे, फिल्टर रिपेयरिंग कर देंगे जिससे खर्चा कम हो जाएगा। और ये इसके अंदर भी हाउसिंग के अंदर ये पानी और जंग जमा है, जिसके वजह से ये लीकेज की समस्या बार बार आती रहेगी। और ये देखिए इसके अंदर ये कचरा दिख रहा है, और ये सब साफ हो जाएगा और किट बदली हो जाएगा तो ये सही से फिर काम करते हो जाएगा, और इसको हम रिपेयरिंग कर लेंगे। ये लॉक थोड़ा लॉक है, इसको हम निकालने के बाद इसके अंदर जो ड्रायर है जो अब वो सूखा करने के लिए अब काबिल नहीं बचे हैं, तो उनको हम निकाल के फेंक देंगे और इसको टेम्पररी रिपेयरिंग कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम जब खोलेंगे तब नया डाल देंगे। अभी इसके अंदर हम कुछ कॉटन का कोई भी पार्टिकल अंदर डाल के जो पानी को सोख ले और जिसमें से हवा भी पास हो, ऐसा कुछ डाल के इसको बना देंगे, तो ये हल्का भी हो जाएगा और पानी भी पकड़ेगा, बराबर ड्राई करेगा हवा को। ये किट को हमने पूरा असेंबली को छुट्टा किया है और इसके सारे रिप्लेसमेंट किट निकाल के इसको डीजल से अच्छी तरह धुलाई कर लेना है, और धुलाई करने के बाद हवा मार लेंगे तो ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और छोटे छोटे जो कण हैं वो भी उड़ जाएंगे और एकदम साफ़ हो जाएगा। ये इसको हवा मार लेंगे तो ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। हवा मार के डीजल निकालना ज़रूरी है, ताकि ये सभी रिंग जो है वो रबर्स की आती हैं और उसमें डीजल लग जाएगा तो वो डैमेज हो सकती है, इसलिए हवा मारेंगे तो डीजल भी साफ हो जाएगा और कचरा भी उड़ेगा। ये इसको हमने हवा मार लिया है और ये पूरी तरह से साफ हो गया, देखिए डीजल भी निकल गया और सभी अंदर जो बड़े बड़े होल हैं उसके अंदर से मिट्टी कचरा भी बाहर निकल गया और एकदम अभी इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। ये DDU का हाउसिंग है, इसको अंदर से पूरी तरह बढ़िया से साफ करना ज़रूरी होता है। ये DDU एयर ड्रायर फिल्टर का फिल्टर है, ये अंदर से देखिए ये खुद जंग मतलब खुद कचरा पैदा कर रहा था। इसके जो अंदर ड्रायर थे, ड्रायर के छोटे छोटे पीस थे, वो भी उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी और वो उनको हमने निकाल के फेंक दिया, और ये फिल्टर को हम रिपेयरिंग करेंगे। ये 3,800 रुपया इसका जो फिल्टर का दाम है वो इसकी वजह से बच जाएगा, और ये दूसरी बार जब रिपेयरिंग करना हो तो ये 50 रुपये में रिपेयरिंग भी हो जाएगा। ये ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट यानी DDU का माइनर रिपेयर किट है, ये 1,000 रुपया इसका MRP है, और इसको शॉर्टकट में हम लोग 3x86 बोलते हैं। ये देखिए MSP 3x86 ये इसका नंबर है। ये इसके अंदर इतनी सारी किटें आती हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये सारी किटें इसके साथ में आती हैं और इनको सही से फिटिंग करना रहता है।
सुधार हो जाए। नहीं भाई नहीं, वो इसमें ऑल्ट्रेशन की गुंजाइश नहीं। Thank you.
चालू करने का लगा क्या डंपर करने का होता है ढक्कन है। ये इस क्रेन का ड्यूल ब्रेक वाल है और ये जो है मिंडा नेप टेस्को कंपनी का है और इसमें से एयर लीकेज की समस्या थी, हमने इसको खोला है। इसमें भी सेम पॉइंट लिखे हुए हैं 21221112 और इसका कनेक्शन ये यहाँ पे, ये चारों पाइप का यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है। इसमें से दो इनलेट है, 11 और 12 इनलेट है और 22 और 21 ये आउटलेट है। और ये इसको ड्यूल ब्रेक वाल इसलिए कहते हैं कि इसमें दो वाल आता है, दो वाल का सर्किट आता है। एक ये एक कनेक्शन ऊपर, ये दोनों ऊपर ऊपर वाले पिस्टन के लिए और ये दोनों नीचे वाले पिस्टन के लिए। और ये ड्यूल ब्रेक वाल सिंगल सर्किट का भी आता है, उसको सिंगल सर्किट ब्रेक वाल बोलेंगे। और ये डबल सर्किट का ब्रेक वाल है, इसके लिए इसको शॉर्टकट में ड्यूल ब्रेक वाल बोलते हैं। और ये इसमें ये देखिए स्विच लगा हुआ है, ये लो एयर प्रेशर का स्विच है और ये ब्रेक का स्विच है। जब ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पे हवा का दबाव बढ़ेगा जिससे ब्रेक लाइट ऑन होगी। और इसके अंदर अगर हवा का दबाव कम होता है, प्रेशर लो होता है, तो ये सर्किट पूरी होती है जिससे ये लाइट जलेगा कि एयर प्रेशर लो हो चुका है। और ये दो एक्स्ट्रा पोर्ट भी दिए हुए हैं। ये गाड़ियों में सेम डिज़ाइन का आता है लेकिन दूसरी ब्रांड का आता है, वेपको और नोर कंपनी का, और ये मिंडा का है। तो इसको हम ओवरहॉलिंग कर देंगे, यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर या रिटेलर कोई नहीं है, तो इसको हम ओवरहॉलिंग करके लगाएंगे। ड्यूल ब्रेक वाल फिटिंग किए हैं और DDU फिटिंग करने के बाद अब गाड़ी स्टार्ट करके हवा भर रहा है। स्टार्ट होने के बाद DDU का लीकेज और ड्यूल ब्रेक वाल का लीकेज बंद हुआ है कि नहीं वो देखेंगे। और अभी गाड़ी में प्रेशर भरने का चालू है, ये एयर बार का प्रेशर 7.5 के ऊपर तक जा रहा है और ये इसमें पहले से एयर बार का प्रेशर सेटिंग है, तो अपने आप कहाँ पे छींक मार रहा है वो देखेंगे। ये अभी एयर बार
8.25 के ऊपर पहुंच रहा है, ये अभी प्रेशर 9 के ऊपर जा रहा है और इसको अभी भी हम रेस कर रहे हैं। ये देखना है ऑटोमेटिक कितने पे सेटिंग है और कितने प्रेशर बार पे जाने के बाद अनलोड हो रहा है। ये 9.25 के पास पहुंचने से पहले अनलोड हो चुका है, मतलब छींक मार दिया है। और ये गाड़ी में कुछ स्पेशल स्विचेस वगैरह है तो इस पर चलेगा, अगर खाली कोई ट्रांसपोर्ट की व्हीकल होती तो उसमें 8.2 bar या 8.5 bar जैसा रखना पड़ता, इसमें इतना चलेगा। ब्रेक दबा के रखो, ये दबा के रखा हुआ है और लीकेज जो था थोड़ा दबा के रखने पे लीकेज होता था वो नहीं हो रहा है।